अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से करती हूँ खुशामदीद। मोरविश कुजीन में बकरीद करीब है और आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसकी सबसे ज्यादा बकरीद कर रहा हूँ आती है रिक्वेस्ट। मैं रोस्ट कर रही हूँ बकरे की रान। तो सबसे पहले मैंने ली है बकरे की रान। आप चाहें तो दुब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे बकरे की रान है और इसके ऊपर से जो चिकनाई है वो तमाम साफ करती है। बस थोड़ी बहुत जो चिपकी हुई है वो है। उसके साथ साथ इसके जो किनारे से जो एक्स्ट्रा हड्डी थी उसको मैंने तोड़ा है। सिर्फ इसलिए किया है कि मैं ये पतीली में आसानी से इसको रख सकूं। फिर छुरी की नोक की मदद से इसको हम अच्छी तरीके से तमाम साइडों से गोद लेंगे। आप चाहें तो फोर्क से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन छुरी से वो अच्छे से इसके अंदर ऐसे सुराख हो जाएंगे तो तमाम मैरिनेशन अंदर तक चला जाएगा। अब इस रान को रखेंगे साइड में और एक मिक्सिंग बोल में मैं शामिल कर रही हूँ दही और लहसुन और अदरक। इसके साथ साथ डाल रही हूँ नींबू का जूस। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। इसमें शामिल है लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला और भुना पिसा जीरा, नमक, जायफल जावित्री का पाउडर, इलायची का पाउडर और पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को दही के साथ मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैं आपको टेंडराइजर बताना भूल गई हूँ, तो उसकी जगह मैं कच्चा पपीते का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो मीट टेंडराइजर का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब जो मैरिनेशन हमने बनाया है उसको हम रान के ऊपर आधा मैरिनेशन डाल के हाथ से अच्छी तरीके से इसको मसाज करेंगे कि और वो तमाम जो सुराख है उसके अंदर ये तमाम जो हमारा मैरिनेशन है ये चला जाए। फिर इसको पलट के जो बचा हुआ मैरिनेशन है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और फिर से इसी तरह अच्छे से इसको इसके ऊपर रब करेंगे और तकरीबन 5-10 मिनट। फिर इसको ढक के अब हम रखेंगे मैरिनेशन के लिए फ्रिज में 4 से 6 घंटे, और सबसे बेहतरीन है अगर आप पूरी रात के लिए इसको फ्रिज के अंदर छोड़ दें। फिर जब हम इसको पकाएंगे तो हम इसके 2 स्टेप करेंगे। पहले हम इस रान को हम डालेंगे पतीली में और उस तरह हम इसको स्टीम करके अच्छी तरीके से गला लेंगे। इसके अंदर वो तमाम मैरिनेशन और तकरीबन आधा कप के बराबर पानी शामिल करके इसके अंदर डालेंगे तेल। अब अगर आपकी रान में बहुत ज़्यादा चिकनाई है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसको तकरीबन 20-25 मिनट पकाने के बाद 2 चम्मचों की मदद से मैंने इसको पलट लिया है ताकि जो मसाला ऊपर चिपका है वो भी अच्छी तरीके से पक जाए। फिर पलटने के बाद अगेन ढक के इसको तकरीबन 40-45 मिनट या 1 घंटे तक पकाएंगे, और तकरीबन इतनी देर पकाएंगे कि रान अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद इसको मैंने एक बेकिंग पैन में ट्रांसफर किया है और उसके ऊपर तमाम मैरिनेशन डाल के अब मैं इसको ओवन में रखूंगी। और वो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर अच्छा सा रोस्टेड कलर आ जाए। मैंने सिर्फ ब्रॉयलर ऑन किया है और इतनी देर के लिए इसको ओवन में छोड़ा था कि ये अच्छा सा रोस्टेड लगने लगे और अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ जाए। जो इसका बचा हुआ मैरिनेशन है उसको मैंने पतीली में डाल के तेज आँच पकाया और इतनी देर पकाया कि वो गाढ़ा सा एक चटनी टाइप मिक्सर बन गया। उसको मैं एज अ साइड सर्व करूंगी। एज अ साइड मैं नमक काली मिर्च डाल के मैंने मटर भी रोस्ट किए हैं और आलूओं को भी ओवन में रोस्ट किया है। इसको मैं रान को प्लेटर में डाल के साइडों में ये मटर और रोस्टेड आलू और उसके साथ साथ मैं उबले हुए अंडे भी सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो कुछ भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह ये तैयार हो जाएगी हमारी चटपटी सी मसालेदार रान। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए। मेरी रेसिपीज को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे जरूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मजेदार रेसिपीज के लिए।